guys, this is, we are in Haryana and we have just crossed Karnal on our way to Kurukshetra. Today it is 14th of October and we are on our way to Jalandhar, and as you can see there is so much smog on the road. ये अभी सिर्फ 15th अक्टूबर है, अभी अक्टूबर के बीच में है, पता नहीं सर्दियों तक क्या हाल होने वाला है. एंड यू कैन आई वुड मेक श्योर कि हम आपको दिखा सके रास्ते में कि कैसे हमारे किसान भाइयों ने अपने क्या बोलते हैं उसको सर पराली के अंदर जी आग लगाई है पराली में, जिसकी वजह से ये स्मॉग है. पर्टिकुलरली हमने कल भी ये इस टाइम पे ऑब्जर्व किया, तो दैट साइड ऑफ द रोड शायद हमें कोई विजिबिलिटी दिख जाए यहाँ पर. यू कैन सी हियर एज वेल, टाइम है ऑलमोस्ट अभी जो वो है 6:15, शाम के 6:15, तो देर इज वेरी लेस विजिबिलिटी. कुरुक्षेत्र से तकरीबन शायद कुछ 30-40 किलोमीटर दूर है. वी आर नॉट लाइव, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बस. विजिबिलिटी थोड़ी ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अक्टूबर के महीने में ये हाल है, सर्दियां अभी उस लिमिट तक आई नहीं है, लेकिन जब आ जाएंगी और कईयों ने अपनी ये पराली अभी तक जलाई नहीं है, कईयों ने जलाई है, कईयों ने नहीं जलाई है, जिन्होंने जलाई है ये सिर्फ उसका है. सर्दियों में ड्यू टू दी फॉग, बिकॉज इट इज़ नॉट स्मोक, इट इज़ कम्प्लीटली स्मोक राइट नाउ, क्योंकि फॉग नहीं है ये स्मोक नहीं है, ये स्मोक ही है. बिकॉज अक्टूबर के मंथ के अंदर फॉग नहीं पड़ता होता. आई डोंट नो वेदर इट इज बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन. ओ माय गॉड, टॉप यू कैन सी दिस डस्ट. विजिबिलिटी हम बोल सकते हैं कि तकरीबन कुछ एक 50 मीटर 100 मीटर तक बहुत क्लियर है विजिबिलिटी. थोड़ी सी हल्की सी सनशाइन है, मतलब डस्क वाला माहौल जिसको हम बोलेंगे वो है. टाइम इट्स नॉट मतलब सो मच ऑफ डार्क आउटसाइड. 6:30 भी नहीं हुए, अभी 6:15 हुए और ऐसा माहौल है. हमने कल भी इसी टाइम के करीब इसी जगह पर हमने ऑब्जर्व किया था सेम टाइप ऑफ एनवायरनमेंट यस्टरडे एज वेल. आई कैन सी दैट द स्मोक इज कमिंग ऑन टू द रूट्स. मैं चारों तरफ देख रहा हूँ कि कहीं मेरे को दिखे कि तो मैं आग लगी हो. पीछे लगी हुई थी जब तक हमने कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन करी थी. जस्ट from there, okay, from there you can see, you yes, that side of the road. No, it is not visible from here as well. हम पीछे से देखते हैं शायद आ जाए. Due to the speed on the highway, visibility नहीं आ रही है. Oh nice, wow. इधर देख सकते हैं आप, वहाँ पर पीछे आग लगी हुई है. इधर भी देख सकते हो पीछे आग लगी हुई है. हरियाणा सरकार जो पिछले इतने सालों से ये बोल रही थी कि हम काम कर रहे हैं इस पे. वाओ, यू कैन सी देयर, यस, फाइनली वी गॉट समथिंग देयर आल्सो. यस, द बैकग्राउंड यू कैन सी ना, क्लियर है यहाँ से, बिल्कुल क्लियर कि दैट दे आर वर्किंग ऑन इट. और दिल्ली में बैठी हुई केजरीवाल सरकार ये बोल रही थी कि ड्यू टू दी विलेजर्स ऑफ और ड्यू टू द फार्मर्स ऑफ हरियाणा ये हो रहा था. प्रूफ
है लेकिन प्रूफ क्या बोलेंगे हम इसको कि प्रूफ जो सा है दिस टू मच फार अवे फ्रॉम दिल्ली ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली ऑलमोस्ट हाँ 190 किलोमीटर्स के आसपास है दिल्ली के कुरुक्षेत्र. कल की विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, आज तो फिर भी थोड़ा सा माहौल ठीक है. और जो एरिया हमने क्रॉस कर लिया वहाँ पर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब थी जब तक हमारा कैमरा ऑन हुआ रिकॉर्डिंग हुई. Again you can see smoke coming back on the road. So see you guys later. Please share this video as much as possible so that ये हरियाणा गवर्नमेंट के जो सी एम है, हाँ ये उन्हीं का एरिया है. यस हाँ जी कट्टर जी, कट्टर जी का ही एरिया है. कट्टर जी वन फ्रॉम कनाल ओनली, ये कनाल और कुरुक्षेत्र के बीच का एरिया है. हमने जो एरिया पीछे क्रॉस किया था वो नीलो खेड़ी था जो डिस्ट्रिक्ट कनाल में ही पड़ता है. और अब ये कुरुक्षेत्र एरिया शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट. बट जो मेन बासमती बेल्ट है, जो राइस बेल्ट है, वो खट्टर जी की ही बेल्ट है. वो पीछे देखिए वहाँ पर भी आग लगी हुई है अभी भी खेतों में. ये खट्टर जी का ही एरिया है. हाँ जी उनका अपना एरिया है ये राइस बेल्ट. वो उधर देखिए खेतों में आग लगी हुई है पीछे भी. नाइस आई वी गॉट द शॉट. मैं एंटी बीजेपी नहीं हूँ, ना ही मैं एंटी सिस्टम हूँ, एंटी नेशनल भी नहीं हूँ मैं. हाँ पेट्रोट जरूर हूँ. पीपल कैन कॉल मी एंटी नेशनल. आई पे माई टैक्सेस, यस ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, बट नॉट फॉर दिस. हमें मूर्तियाँ नहीं चाहिए, प्लीज वी डोंट नीड स्टैचूज. डू समथिंग फॉर देम. फार्मर्स को कुछ दिया जाए ताकि वो ऐसा काम ना करें जिनको आग लगानी पड़ रही है. कट्टर जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हम मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि कट्टर सरकार के पास ये वीडियो पहुंचे और हम उनको ये प्रूव कर सके कि जरूरी नहीं है जो आपका प्रोसेसिंग है या आपका थॉट प्रोसेस है वो रियलिटी है. क्योंकि ग्राउंड रियलिटी इज समथिंग एल्स विच वी फेस एज अ कॉमन मैन. थैंक यू, बाय. प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड like the video. Thank you.